हमारा पहले जो मकान था वो कच्चा मकान था, तो जगह रहने की प्रॉब्लम होती थी हमें। बारिशों का यह पहाड़ी इलाका है जिसमें बर्फ़बारी ज़्यादा होती थी, जिसमें हमें सर्दी में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। और PMGAY के तहत हमें जो मकान मिला उसमें हमें मदद मिली सरकार से, तो हमने ये मकान बनाया। मजदूरदार थे, मजदूरी करते थे, हम मकान कैसे बनाते। तो हमारा मकान गिर गया, हमारे पास पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो फिर हम सरपंच साहब के घर गए, उनको पूछा, फिर वो बोलने लगे, वो हमें साथ लेके गए वीडियो ऑफिस, उधर बोलने लगे आवास योजना के तहत आपकी मदद हो जाएगी। फिर उन्होंने फॉर्म भर के दिया, तो उन्होंने फिर 1.5 लाख रुपया ऐसा हमारे लिए भेजा, हमने मकान बनाया। और अब उनका शुक्रगुजार करते हैं, हमारा मकान भी बन गया। तो हमें अगर वो ना देते तो हम मकान कहाँ पे बनाते, मजदूरी से मकान नहीं बन पाता था। तो फिर हमने मकान बनाया, उन्होंने हमारी मदद की, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉक की तरफ से हमें अमाउंट मिली पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, उसके बाद जब हमने बेड दिया फिर हमें मिली सेकंड इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब हमें लेंटर पे गए तो हमें मिली सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो फिर हमने जब स्लेब कंप्लीट किया तो फिर हमें थर्ड इंस्टॉलमेंट मिली, और सारे पैसे टाइम टू टाइम अच्छे से मिले, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। अफसरों ने भी और ब्लॉक हार्मनी में कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो हमें 1,30,000 मिले हैं इसके PMAY के तहत अपने अकाउंट में, और 20,000 मुझे अकाउंट में आए हैं इसके नरेगा के तहत। परिवार भी बड़ा है, तो इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के, प्रधानमंत्री साहब के, जिसने हमें ये सुविधा दी। तो हमने भी मकान बनाया, ये ख्वाब हमारा भी पूरा हुआ कि हम भी पक्के मकान में अब रहने लगे। पहले जो वहाँ पे था हमारा बिल्कुल कच्चा मकान था और ओनली 2 कमरे थे, अब मैंने यहाँ पे 3 कमरे बनाए हैं। अच्छे से परिवार अच्छे से रह रहा है, खुशी से। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सरकार के, कि सरकार की तरफ से हमें जो ये फ़ायदा मिल रहा।